सर्व सुविधा युक्त अनुभवी ट्रेनरों के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम, हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन, राजघाट रोड, तिलीवाट, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव मजाक से बनते दिख रहे हैं। आलम यह है कि अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें विश्वास ही नहीं है कि चुनाव होंगे या नहीं। चुनाव का एक कदम कोर्ट में है और एक कदम मैदान में है। ऐसे में संशय की स्थिति बरकरार है। हर रोज कुछ न कुछ नए फैसले आ रहे हैं। अब निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है कि चुनाव तो होंगे, मतदान होगा, लेकिन चुनाव के परिणाम जारी नहीं किए जाएंगे। यानी वही हुआ कि गंगा स्नान करो, पुण्य मिलेगा या पाप अभी कुछ पता नहीं चलेगा। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उस पर विश्वास हटता जा रहा है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग कोई ठोस फैसला नहीं ले पा रहा है। अब बीते दिन सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होंगे, और आज निर्वाचन आयोग ने ताल ठोक कर कहा कि चुनाव तो होंगे लेकिन परिणाम नहीं खोले जाएंगे। वाह, क्या सरकार बोल रही है और क्या निर्वाचन आयोग बोल रहा है। सरकार ने जो चुनाव में पेच फंसा है उससे सभी वर्ग नाराज है। ओबीसी से लेकर सारे वर्ग चुनाव में इस भ्रम की स्थिति से नाराज है। पता नहीं कल क्या आदेश आता है, चुनाव होंगे भी या नहीं। यह संशय हर रोज बरकरार है, कल भी बरकरार था और आज भी अमूमन बरकरार है। फिलहाल अभी चुनाव परिणाम रोके हैं, न जाने कल क्या आदेश आता है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।